आप सभी के लिए मैं क्यूज स्टार्ट किया हूं, उसका आज छठा वीडियो है, छठा क्यूज नंबर है। ओके, चलिए एक क्यूज आपको कहां कहां मदद कर सकता है, तो एएनएम के कंपटीशन में, स्टाफ नर्स के कंपटीशन में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कंपटीशन में, नर्सिंग ऑफिसर के कंपटीशन में, चाहे आप देश के किसी भी संस्था में कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको नॉलेज फुल के लिए हो सकता है, एग्जाम में बहुत मदद करेगा। डेली आपको 20-20 क्वेश्चन का एक क्यूज आता है जो आपको डेली अपलोड होता है, यहाँ पर आकर आप डेली देख सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। डेली के 20 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होता है, और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं डेली के डेली जो है दो वीडियो भी लाऊंगा, और साथ में मैं कभी कभी जो है फैक्ट वाला, कभी कभी जो है टॉपिक वाइज भी वीडियो लाएंगे, जिससे आपका तैयारी और मजबूत होगा। यानी कहा जाए तो कंपटीशन के हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ से टच हो जाएंगे, जो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये छठा नंबर है, इससे पहले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से नेफ्रॉन का भाग है, मतलब नेफ्रॉन आप लोग जानते हैं कि गुर्दा किडनी में होता है, और उसमें से जो है यह किसका नेफ्रॉन का भाग कौन सा होता है बताना है। ए नंबर में है वोमेन संपुट, बी नंबर में है समीप्त कुंडलित नलिका, और सी नंबर में है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और डी नंबर में है ऑल ऑफ, मतलब सभी। कौन होगा इसमें से बताना है। तो साथियों, नेफ्रॉन का भाग है इसमें से, डी इसका राइट आंसर है, सभी के सभी नेफ्रॉन का भाग है, चाहे वोमेन संपुट हो या समीप्त या दूरस्थ कुंडली नलिका हो, सभी के सभी ये नेफ्रॉन का भाग है। ओके, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले कॉकलिया किस कार्य में सहायक है। कॉकलिया आप लोग जानते होंगे किस कार्य के लिए सहायक है, देखने की प्रक्रिया में, सुनने की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में जो है एक कॉकलिया जो है शामिल होता है। तो आप लोग को पता है कॉकलिया जो है सुनने का काम में जो है आपका बहुत ज़्यादा आता है, समझ गए चीज़ को। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, और जब तक मैं पढ़ूंगा, जब तक मैं ऑप्शन बोलूँ, तब तक आप पढ़ के इसका क्वेश्चन बता सकते हैं, और लास्ट में बताइएगा कि 20-21 में से आप कितना सही कर पाए हैं, कितना नहीं हो पाया है, ईमानदारी पूर्वक। निम्न में से कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड जीवन रक्षक हार्मोन का सीक्रेट करता है, मतलब कौन सा ऐसा जो है अंतस्रावी ग्रंथि है जो जीवन के रक्षा हार्मोन को सीक्रेट करता है, कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्नाशय ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, कौन ग्लैंड है जो आपके जीवन रक्षक हार्मोन को स्रावित करता है बताना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर एड्रीनल ग्लैंड है, जो कि आपको जीवन रक्षक ग्लैंड सिक्रेशन करता है हार्मोन को। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य का जो टंगू जीव होता है, कौन सा भाग जो है माग नहीं भाग होगा, मीठे स्वाद का ज्ञान कराने का संबंध रखता है, मतलब जीव में अलग अलग भाग है जो तीखापन खट्टा मीठा सबका अनुभव कराता है, तो मीठा वाला पूछ रहा है कि मीठा वाला भाग कौन सा जो है ज्ञान को संबंध कराता है, ठीक है। पीछे वाला भाग, बगलों वाला भाग मतलब साइड वाला, शुरुआती मतलब अग्रभाग, या पूरी जीभ के सभी भाग, कौन सा भाग है जो मीठा को क्या करता है, अनुभव कराता है, ज्ञान करवाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर शुरू के आगे के जो भाग होता है, यह मीठा को क्या करता है, आपको अनुभव कराता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप मीठा खाते हैं तो आगे वाला जीभ जो है आपको पता चलाता है कि आप मीठा ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, T3 हार्मोन का सिक्रेशन शरीर के किस भाग द्वारा होता है। T3 एक आपका थायरोक्सिन होता है, जो थायराइड होता है ना, वही उसी का एक भाग होता है। T3, T4 ये सब हार्मोन का नाम है, ठीक है। और ये T3 हार्मोन शरीर के किस भाग से सिक्रेशन होता है। पैंक्रियाज के बीटा सेल द्वारा, पैंक्रियाज में अल्फा सेल द्वारा, टेस्टिस में पाए जाने वाले अंतराली सेल द्वारा, या थायराइड नामक इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा। तो साथियों, T3 हो, T4 हो, या थायरोक्सिन हार्मोन हो, ये सब के सब जो है थायराइड नामक इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, छठा नंबर का है, एक मनुष्य में लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई क्या होता है, क्या वह स्मॉल इंटेस्टाइन से अधिक होता है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बराबर होती है, या फिर शून्य होती है, मतलब जो बड़ी आंत है उसका लंबाई क्या स्मॉल वाला से छोटी होती है, या बड़ी होती है, या फिर बराबर होती है, या फिर शून्य होती है बताना है। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसका लंबाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है। जी हाँ साथियों, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। लेकिन आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो ना बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए इसे बड़ा कहा जाता है क्योंकि इसका जो ये परिधि मोटाई होता है ना, ये मोटाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से अधिक होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मोटाई अधिक होने से इसे जो है लार्ज कहा जाता है, जबकि लंबाई का बात करेगा तो स्मॉल वाला कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए
सेवन नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से पैथोजन व्यक्ति के बॉडी में किस रूट द्वारा प्रवेश करता है। मतलब सीधा समझिए कि पैथोजन का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, समझ गए ना, जो रोग उत्पन्न करता हो, रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव उसी को पैथोजन कहते हैं, जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तो वैसे चीज जो बॉडी में किस रूट से, किस मार्ग से प्रवेश करता है, ठीक है। देख लीजिए, ए नंबर में है आपका थ्रू एलिमेंट्री कैनल, मतलब आहार नाल द्वारा, थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन मार्ग द्वारा, थ्रू सेक्सुअल एक्ट द्वारा, मतलब शारीरिक संबंध द्वारा, या फिर ऑल द अबोव। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका जो पैथोजन होता है, रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव जो होता है, सिंपल तौर पे कह लीजिए संक्रमण जो होता है, वो आपके आहार नाल के द्वारा भी, भोजन के द्वारा भी जाता है, श्वसन के द्वारा भी जाता है, टीबी वगैरह श्वसन रोग, ठीक है ना, सेक्स के द्वारा, एचआईवी वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह, ये जो फैलता है सेक्स के थ्रू भी फैलता है, समझ गए। और तो इसीलिए इसमें से डी के डी हो जाएगा, सभी के सभी हो जाएगा, ओके। चलिए, ज्ञान वाला हम वीडियो क्वेश्चन सब इंक्लूड किए हैं। निम्न में से इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर से पैथोजन किस रूट से बाहर निकलते हैं। मतलब कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसमें जो पैथोजन होगा, रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक होगा, वह शरीर के किस रूट से बाहर निकलता है, किस रूट से जो है शरीर के बाहर निकल सकता है। वो नोज और मुंह द्वारा, मतलब नाक और मुंह के रास्ते द्वारा बाहर निकल सकता है, स्टूल या यूरिन के द्वारा बाहर निकल सकता है, या त्वचा पर मौजूद जो घाव होता है इसके सीक्रेशन से निकल सकता है, या इनमें से सभी। तो साथियों एक बात आप समझ लीजिए कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है, अगर वह मुंह से थूक भी गएगा, नाक से वो अपना जो स्पूटम, नाक से जो उसका पदार्थ होता है निकलता है उसके द्वारा, या फिर वह पैखाना जो होता है स्टूल, उसको त्यागने में भी उसका जो है संक्रमण निकलता है, यूरिन के द्वारा भी निकलता है, त्वचा पर जो घाव होता है और उससे जो पस मवाद या जो भी सीक्रेट होता है उसके द्वारा भी जो है पैथोजन निकलता है। तो इसलिए सब हो जाएगा इसमें, समझ गए चीज़ को। चलिए नौवा नंबर देखिएगा प्रश्न, डिजीज की किस अवस्था में टर्शियरी प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है। मतलब रोग के किस अवस्था में टर्शियरी प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है, किस अवस्था में होती है। देख लीजिए, कैरिज अवस्था, कैरियर अवस्था में, प्रोडोर्मल फेज में, टर्मिनल फेज में, इन्फेक्टिव फेज में, किस फेज में जो है आपको टर्शियरी जो है, ठीक है ना, देख लीजिए टर्शियरी प्रिवेंशन की आवश्यकता पड़ती है किस फेज में, देख लीजिए। तो ये आपका टर्मिनल फेज में जो है टर्शियरी प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है, ठीक है, टर्मिनल फेज में, ओके, याद रखिएगा। चलिए दसवां नंबर देखिएगा, इंडिया में ब्लाइंडनेस, अंधेपन का मुख्य कारण क्या है। अंधेपन, ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव इरर्स, ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अंधेपन होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर होगा, कैटरेक्ट होगा, मोतियाबिंद होगा, चीज़ को समझ गए। चलिए ये हो गया, अब नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर, बहुत शानदार प्रश्न है, आशा को कहाँ अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से आशा जो होती है उसको कहाँ अपॉइंट, मतलब उसे पद स्थापित कहाँ नहीं किया जा सकता है, कम्युनिटी सेंटर पर, या फील्ड विजिट में, ठीक है, और या आंगनवाड़ी सेंटर पर, या फिर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, आशा को कहाँ नहीं अपॉइंट किया जा सकता है बताना है, ठीक है। तो साथियों जो आशा होती है उसको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आशा नहीं होती, आप लोग जानते हैं, जैसे हार्ट हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल, सब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है। तो वहाँ पे जो आशा होती है वो आशा को वहाँ पे नहीं अपॉइंट किया जाता है। बाकी ये जो तीन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आंगनवाड़ी सेंटर में, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र में आशा होती है, फील्ड विजिट में, मतलब क्षेत्र भ्रमण में भी होती है, और कम्युनिटी सेंटर पर भी आशा रहती है, जो आप लोग देखते होइएगा गाँव सब में आशा जो है आंगनवाड़ी पर, कम्युनिटी सेंटर में, नर्स के साथ में, फील्ड विजिट में, ये सब पर नर्स आशा रहती है, ठीक है। चलिए 12 नंबर में देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा महानिदालय DGHS हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किस स्तर पर होता है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय जो है यह किस स्तर पर होता है, यह हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है किस स्तर पर होता है बताना है, कि आप गांव के लेवल पर, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या स्टेट लेवल पर, या सेंटर लेवल पर, किस लेवल पर यह जो है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय होता है बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका इसका राइट आंसर सेंट्रल लेवल पर, जो हमारा देश का जो स्वास्थ्य महानिदेशालय है यह आपके सेंट्रल केंद्र लेवल पर होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यह एक संस्था था, ठीक है। वायु प्रदूषण का मेन सोर्स क्या है, साथियों बताना है, जो है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन का मुख्य जो सोर्स है वो मुख्य स्रोत क्या है बताना है, गाय का गोबर, जीवाश्म ईंधन, लकड़ी का जलाना, ठीक है, या फिर जो है बायोगैस। तो साथियों इसमें वायु प्रदूषण का मेन जो सोर्स होता है, अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होगा, उससे धुआं निकलेगा, और धुआं से जो है वह वातावरण को प्रदूषित करेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, निम्न में से कौन सा सबस्टांस सांस लेने पर O2 की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ अधिक तेजी से क्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऐसा सबस्टांस पदार्थ है जो सांस लेने पर ऑक्सीजन के तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ अधिक तेजी से जो है क्रिया करता है, कौन सा है बताना है। तो साथियों आप लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब के सब सबस्टांस है, लेकिन श्वास अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का लेंगे तो आपको जल्दी घातक पहुंचाएगा और बहुत ज़्यादा जो है बीमार कर देगा, यह जल्दी जो है रिएक्ट करता है, समझ गए, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके चलिए 15 नंबर देखिएगा, टीनेज प्रेगनेंसी का कारण क्या होता है? टीनेज प्रेगनेंसी का कारण क्या होता है, समझ गए, कम उम्र में, मतलब कम उम्र में प्रेगनेंसी का कारण क्या होता है? कम उम्र में मैरिज होना, शिक्षा का निम्न स्तर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अज्ञानता, ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों कम उम्र में प्रेगनेंसी का जो कारण होता है वह जो है कम उम्र में शादी होना, यह भी कारण होता है, जिसका कम उम्र में शादी होगा तो जाहिर सी बात है उसको कम उम्र में प्रेगनेंसी हो जाएगा, तो यह भी एक होता है। अगर उसका शिक्षा का लेवल अगर लो होगा तो जो है वह जो है क्या होगा, प्रेगनेंसी का कारण बनेगा कम उम्र में। अगर उसको जो है कंट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक विधि के बारे में पता नहीं रहेगा तो यह भी जो है उसको कारण बनेगा कम उम्र में प्रेगनेंसी का, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके चलिए 15 हो गया, अब 16 नंबर देखिएगा, यहाँ पे आप लोग माला एन एक पैकेट में कुल पिल्स होती है, माला एन जो होता है उसके एक पैकेट में कुल कितने पिल्स होता है यानी गोली होता है? साथियों 28 जो है वो माला एन जो कि गर्भ निरोधक गोली होता है, इसमें एक पैकेट में 28 जो है पिल्स होती है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है माला एन एक पैकेट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की संख्या होती है। देखिए माला एन जो होता है ना उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में एक और पिल्स होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कि माला एन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक गर्भ को रोकने वाला गोली कितनी होती है। तो साथियों आप लोग को पता होना चाहिए माला एन में दो तरह की गोली होती है, उसमें एक गोली कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव उसमें कितनी होती है, टोटल 28 होती है, उस 28 में कॉन्ट्रासेप्टिव गोली कितनी होती है ये हमको बताना है, ठीक है, देख लीजिए। तो उसमें 28 ये तो कुल होता है, तो उसके बाद 30 है ये तो होगा नहीं क्योंकि कुल 28 ही होता है, तो 30 कैसे हो जाएगा कंट्रासेप्टिव। उसके बाद है 21 है और 27 है, क्या बताना है? तो साथियों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर का, कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक जो पिल्स होती है वह 21 होती है, बाकी के साथ अलग की गोली होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए माला एन एक पैकेट में आयरन की टैबलेट कितनी होती है, साथियों बताना है 28, 30, 21, 7, तो साथियों कितना होती है आपको बताना है। तो आप लोग पता है कि माला एन में कुल 28 गोली होती है एक पैकेट में, 30 तो होता ही नहीं है इसका बात ही नहीं है, 21 आपका कंट्रासेप्टिव होती है और 7 आपका आयरन की टैबलेट होती है, समझ गए। तो कोई अगर पूछे कि माला एन में जो है कितने तरह के पिल्स होते हैं तो आप लोग सीधा बताइएगा दो तरह के पिल्स होते हैं, एक कंट्रासेप्टिव होते हैं और एक आयरन होते हैं, ठीक है। अब पूछ देगा कि आयरन के गोली कितने होते हैं कंट्रा माला एन में, तो सीधा बताइएगा 7, अगर पूछ देगा कि उसमें कंट्रासेप्टिव कितने होते हैं तो 21, समझ गए, और कुल 28। ओके चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 19 नंबर का देखिएगा, माला एन के पैकेट में मौजूद गोलियाँ होती है किसके लिए? माला एन के जो पैकेट होता है उसमें जो गोलियाँ होती है वह किस प्रकार की होती है यहाँ पे बताना है। केवल गर्भ निरोधक, केवल आयरन, गर्भ निरोधक तथा आयरन दोनों, और गर्भ निरोधक तथा विटामिन सी। तो अभी तो ऊपर जान गए कि इसमें गर्भ निरोधक और आयरन दोनों होता है माला एन में। ओके चलिए अब यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का लेना कब प्रारंभ करना चाहिए, मतलब मुख से कंट्रासेप्टिव पिल्स का लेना कब प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एमसी के पाँच प्रथम दिन, एमसी के तीसरे दिन, एमसी के पाँचवें दिन और एमसी के सातवें दिन। तो कंट्रासेप्टिव पिल ओरल किस समय से लेना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एमसी के पाँचवें दिन से जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, मतलब राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुई इसको बताना है। तो साथियों 1948 में, 1952 में, 1962 में, 1993
1997 में, इसमें से बताना है कि यह कब हुई इसका शुरुआत राष्ट्रीय परिवार नियोजन का। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यहाँ जो है राष्ट्रीय परिवार नियोजन 1952 में शुरू हुई। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पे प्रश्न समाप्त हो गया और जितना हमें कराना था साथियों मैं 21 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा, तो और बेहतर से बेहतर जो है हम तैयारी करवाएंगे कंपटीशन नर्सिंग के लिए किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।